भैया जी का लगता है गाड़ी खराब हो गया। सोच रहे सिग्मा 350 का टॉप इस चेक करते चेक करते क्या होता है। ये देखो भाई तो कमेंट करके बताइए कि सिग्मा 350 से है या फिर क्लासिक 350 से है। तो आपको सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब का एक सीजन। तो मैं कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे। और फिर जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी हम लोग बाइक पे बैठे हुए हैं और भी हम लोग अनिसाबाद में, तो अनिसाबाद से अभी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए एम्स यहाँ पे 6 किलोमीटर है, यहाँ से आप लोग लेफ्ट जाइएगा तो एम्स चल जाइएगा, लेकिन अभी हम लोग को जाना है बीबी पब्लिक स्कूल। ये रहा मॉडल्स गैरेज का शोरूम आप लोग देख। और फिर सभी हम लोग हैं असियाना रोड में और हम लोग सुबह ही आ गए थे, मतलब कि आई थिंक सुबह 6 बजे ही हम लोग आ गए थे। तो उस समय लेट हुआ था, तो उस समय ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, तो उस समय ब्लॉग वगैरह नहीं कर रहे थे। उसमें सीधा हम लोग आ गए असियाना में, कुछ काम था हमको कॉलेज वगैरह का, तो वो कॉलेज का काम करवाने के बाद अभी एग्जैक्टली 1 बज गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं 1 बज गया, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 2 समोसा खाया है। तो निकलते हैं यहाँ से पहले। और फिर सभी हम लोग जा रहे हैं बीडी कॉलेज, वहाँ पे एक जाके बुक लेना है। तो बुक लेने के बाद शायद अभी हम लोग जाने वाले हैं घर, तो देखते कहाँ जाते हैं। सोचेंगे तो कहीं पे जा कर के खा पी लेंगे। ऐसे तो अभी 2 समोसा खाया है, भूख लगा हुआ था, शायद कोल्ड ड्रिंक पिए है। और इतना धूप आप तो देख सकते हैं, मतलब कि इतना धूप में गाड़ी चलाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग को एग्जैक्टली रूट पता नहीं है, तो हम लोग मैप का सहायता लेके जा रहे हैं, तो मैप से देखते जा रहे हैं। मैप अभी तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है कहीं पे जाने के लिए, कोई भी जगह जाना हो मैप पे सर्च कर लीजिएगा फिर चल जाइएगा। सुबह सुबह ऐसे तो क्या ही बोले, मतलब सुबह सुबह में हम गाड़ी स्पीड में हमको लगा कि आई थिंक आधा घंटे के अंदर में हम लोग असियाना आ गए। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब कि बजंग चौक से असियाना आई थिंक वहाँ पे 25 किलोमीटर के अराउंड था, तो हम लोग आई थिंक 30 मिनट में कवर कर लिया। असल पट होकर के आए थे पटना का, तो रोड किसी को पता नहीं होगा, अगर जो पटना में रह रहा है पहले से तो उसी को पता होगा। तो सब कोई मैप का ही सहायता लेके आता है, वैसे ही हम भी मैप का सहायता लेके आया है। आगे देखिए कितना रस है, मतलब कि यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो निकलते हैं यहाँ से, फिर आपसे मिलते हैं। तो पीछे पिलर में अभी शेखर भाई है, तो वही मैप देख के बता रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। ये देखो भाई, चला देखता नहीं आगे से कौन आ रहा है कौन नहीं, जब चाहे राइट लेफ्ट ले लेना, कुछ नहीं रुकता। देख के गाड़ी नहीं चलाइएगा तो लोग क्या बोलते हैं, अभी हम देख के नहीं चलेगा गाड़ी तो ये लोग को आप मार ही दीजिएगा, मारने के बाद तो फिर समझते ही है। लेफ्ट लेना है, राइट की लेफ्ट, राइट ना। ओ भाई ये देखिए, चचा को दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर इसका भी दिक्कत है, मतलब कि शेखर का लाइसेंस है शेखर के पास, और मेरा भी आधार कार्ड से 18 ईयर्स नहीं हुआ तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन बाइक हम चला रहे हैं तो पुलिस वगैरह पकड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो किताब कॉपी कहाँ मिलेगा यहाँ पे, किताब कॉपी बुक लेना है चाची, ब्रिज के पास, ब्रिज के नीचे। और फिर मतलब कि
5-6 दुकान घूमने के बाद फाइनली बुक मिल गया, बुक वगैरह ले लिए, उसके बाद घर निकल रहे क्योंकि धूप बढ़ते ही जा रहा है, पूरा सिर पे धूप है। हेलमेट पहनने के बाद तो कुछ राहत है। आने के बाद पटना एयरपोर्ट चल जाइएगा, आप लोग देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट यहीं पे है। फिर बगल में उधर रहा इको पार्क, तो इको पार्क बगल में ही है, तो पार्क वगैरह आना है तो मतलब शाम को आइए, धूप में जा कर के क्या करिएगा। अभी हम बैठ गए पीछे और शेखर अभी ड्राइव कर रहा है क्योंकि लाइसेंस है नहीं और यहाँ पे चेकिंग बहुत हार्ड लगाता है मतलब कि, तो इसलिए हम शेखर को दे दिए चलाने के लिए, रिक्स नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 11 किलोमीटर अभी बता रहा है बेली रोड, और फिर आप लोग देख सकते हैं मतलब कि ये वाला आप लोग राउंड में मतलब कि हम लोग 1-2 बार चक्कर लगा दिए, उसके बाद हम लोग को जाके मिला है और इधर से चक्कर निकलेंगे अभी हम लोग। तो फिर फाइनली अटल बस निकल गए और यहाँ रुक करके एक होटल था बगल में, वहाँ से खा पी लिए एकदम हल्का रेस्ट वगैरह करने के बाद यहाँ से निकल के अब सीधा जाके घर रुकेंगे। भैया जी का लगता है गाड़ी खराब हो गया। सोच रहे सिग्मा 350 का टॉप इंच चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है, टॉप इंच चेक करते हैं। ये ब्रेक एकदम सामने बना दिया है, सही किया बना दिया है क्योंकि आगे टर्निंग तो आदमी सब स्पीड में रहता है, फिर टर्निंग में ब्रेक वगैरह नहीं लेता है तो फिर ऐसे ही एक्सीडेंट होता है, तो सही करता है बना देता है। और फिर सभी लोग पहुंच गए मरीन ड्राइव, आप लोग देखते होंगे और शाम के समय रहता तो मरीन ड्राइव रुकते भी, अभी क्या करेंगे कल धूप में रुक के सीधा निकलते हैं घर की तरफ। ये व्यू चेक करिए, तो आपको पता ही होगा मैं यूट्यूब चैनल पे 800 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गया है, तो बस कुछ सब्सक्राइबर बचा हुआ है 1K होने में, तो आप लोग सब्सक्राइब पूरा करिएगा और शेयर करिएगा, पूरा सपोर्ट करिए, 1K करवा दीजिए, उसके बाद देखते 1K में इंक्रीज, उसके बाद एक केक काट के सेलिब्रेशन होगा बढ़िया सा, तो बहुत कुछ ही करने वाले, आप लोग फुल सपोर्ट करिए और 1K जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर में 1K कर ही ले, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह था तो वीडियो वगैरह तो डाल नहीं रहे थे, नहीं तो अभी कब का हो जाता है, और लास्ट टाइम भी अच्छा खासा हो गया तो मोनेटाइज भी हो ही जाएगा चैनल। और ये देखिए BMW क्या लग रहा है, तो आप लोग फुल सपोर्ट करिए, वीडियो देखिए तो शेयर वगैरह कर दीजिए, स्टेटस वगैरह लगा दीजिएगा, इतना भी तो ख़राब वीडियो बनाते भी नहीं है। घर से फुल परमिशन आता तो हम तो डेली ब्लॉग डालते, लेकिन समय वगैरह का दिक्कत होता है और अभी कॉलेज वगैरह भी लेना है तो बस पर कुछ देख के चलना है, तो बस उसी के लिए उनका दिक्कत होता है, तो फुल परमिशन मिलने के बाद तो भाई 1-2 महीना में चैनल मोनेटाइज कर लेंगे, इतना घूमेंगे। और फिर हम लोग सोच रहे 11-12 तारीख को कहीं पर जाने के लिए घूमने बाइक से, सब लोग प्लान कर रहे हैं, सब लोग फुल सपोर्ट करिए। तो बहुत दिन हो गया बनारस में गए थे तो कार से गए थे, बाइक से जाने का मन कर रहा है अब। और एक नया चैनल बनाया है, उसमें सिर्फ यूट्यूब का कॉन्टेंट डालना है, मतलब कि यूट्यूब का वीडियो कब आ रहा है, रील्स वगैरह जितना कुछ है, और अभी हम बहुत सारा सुपर बाइक का वीडियो वगैरह रखे हुए काफ़ी बढ़िया बढ़िया, तो वो सब भी हम डालने वाले हैं। तो स्पीड रेंजर DA01 करके नाम ID होगा, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालेंगे। और कल मतलब कि इंस्टा IG बनाया है, उसके बाद अभी मैं अभी फॉलोअर चेक करिएगा तो आप लोग 150-200 के अराउंड हो गया है, तो सपोर्ट सब कर रहा है और कुछ नहीं, आप लोग भी जाकर फॉलो नहीं किए तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा,
ऐसे आपको अपडेट मिलते रहेगा वीडियो कब डाल रहे कब नहीं, और फुल सपोर्ट करिए और रील्स वगैरह भी आप लोग चेकआउट करिएगा इंस्टा का कितना बढ़िया रहता है। बाकी 10 तारीख को एक लास्ट एग्जाम है, तो वो एग्ज़ाम हो जाने के बाद तो फिर हम लोग एक प्लान बनाते हैं, सोच रहे हैं हम लोग जाए राजगीर सीसा पुल वगैरह और रोहतांग वगैरह वहाँ का वाटरफॉल वगैरह बहुत सब अभी घूम के आएंगे। अभी मौसम भी बहुत बढ़िया है, गर्मी का मौसम है वो सब होता है, तो हम लोग प्लान बना रहे हैं सोच रहे जाने का, बस एक दो दोस्त से और पूछ रहे हैं कंफर्म होगा फिर अभी हम लोग रेडी है चलने के लिए। तो 10 को एग्ज़ाम देते हैं फिर निकलेंगे वहाँ भी, तो सब सामान तो आप उनके पास है, अभी कुछ तो करना है नहीं, बाइक वगैरह ही है, तो आप कमेंट करके बताइए कि सिग्मा 350 सी है या फिर क्लासिक 350 सी है, तो आप लोग का कमेंट हम जरूर देखेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फिल करिएगा। और फिर फाइनली आप लोग देख सकते हैं भजन चौक अभी हम लोग पहुँच गए, तो फिर आज का हम लोग काफ़ी लंबी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, और चाहते हैं कि लंबा ना हो वीडियो, तो आज का हम लोग हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अब आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो फिर आप लोग ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, सी यू।